ये सारी घड़ियां आपको 10 रियाल में मिलेंगी। बहुत सही घड़ियां हैं यार ये हैं। ये कितने रियाल की है भाई? 2 रियाल। ये 2 रियाल की है, ये सब 2 रियाल की टोपियां हैं। आप इसकी क्वालिटी चेक करोगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छी है। ये जो मैंने रुमाल बांध रखा है ये मैंने वहाँ से लिया था। अभी इसकी प्राइस मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, फिर वहाँ की प्राइस बताऊँगा मैं। ये कितने रियाल का है? ये 10 रियाल का। ये 10 रियाल का है। ये पूरी ऐसी मार्केट है जैसे अपने यहाँ पर संडे मार्केट होती है ना। ये 10 रियाल की जानमाज है। ये मोटी भी है, काफ़ी ज़्यादा मोटी भी है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। तो गाइज आज हम हैं मदीने में, और मदीने में हमारा है लास्ट दिन। आज हमें पता चला कि मदीने में एक मार्केट है जो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट मार्केट है मदीने के अंदर। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। अभी तक तो हमने सारी अपनी खरीदारी जो भी थी कर ली थी, लेकिन एक भाई गए, उन्होंने बताया कि एक मार्केट ऐसी भी है जो बिल्कुल अलग है, बहुत मुख्तलिफ है सारी मार्केटों से। तो हमने सोचा चलो हमने तो खरीदारी कर ली, जैसी भी जैसा भी हमने सामान लेना था ले लिया, लेकिन हमारे और भाइयों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं उस मार्केट में, मैं खुद भी चेक करूंगा और आपको भी बताऊंगा। जो जानमाज मैंने 40, 50, 100 रियाल में खरीदी हैं, अब देखते हैं कि उधर कितने में मिलती हैं। ये जो रोड जा रहा है बिल्कुल हरम के गेट के सामने से जा रहा है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने में सामने से जा रहा है। ये सारे होटल हैं, मैडन होटल, इसी में आसिम रियाज और अली गोनी रुके हुए थे। और ये सारे होटल बहुत बड़े बड़े होटल हैं, ये सारे 5 स्टार हैं। और ये जितने भी होटल हैं, ये जो लोकेशन है ये मरकजिया कहलाती है, जितने भी ये 5 स्टार होटल हैं आपको इसके सामने से जाना है। आज हम शॉपिंग करने वाले हैं, मतलब मैं कुछ देखूंगा, अगर बाकी में सस्ता है उधर तो मैं भी खरीदूंगा। तो अभी देखते हैं कि कैसा रहता है बाकी। अगर वहाँ पर सच में सस्ता होगा तो ही मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भाई जाओ मदीना आओ तो वहीं से शॉपिंग करना, और क्वालिटी भी चेक करेंगे। तो पैसे के साथ साथ क्वालिटी भी चेक करना ज़रूरी है। ये देखो तो यहाँ पर एक फ्रेम बना हुआ है, ऐसे यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है इस फ्रेम से। ऐसे ये फ्रेम है, फ़ोटो क्लिक करना है। ओके ओके, तो देखो यार यहाँ पर लोग ऐसे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। एक भाई साहब ने मुझे भी दे दिया फ़ोटो क्लिक करने को, मैं भी उनकी फ़ोटो क्लिक करता हूँ। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है जीजिए। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से शॉप्स बनी है, स्टॉल कह सकते हैं इन्हें, फ्रेश जूस, अफगानिस्तान फूड, डेट एंड आइसक्रीम, मदीना मटेरियल्स पर खजूर की आइसक्रीम मिलेंगी आपको। मदीना मटेरियल्स, यहाँ पर मदीने के जो मटेरियल्स हैं जो भी होंगे ये अभी बंद है, यहाँ पर मिलेगा। और यह है तुर्की फूड, यानी यहाँ पर तुर्की के जो आपको फूड रहते होंगे ना वो मिलेंगे, और इस्पेशली यहाँ की चाय और जो भी है। ये मदीना गुडनेस, यहाँ पर मदीने की खजूर और जो यहाँ की फेमस चीज़ें रहती होंगी वो इधर मिलेंगी। और ये सऊदी फूड, जो सऊदी अरब की जो फेमस रहती होंगी वो इधर मिलेंगे। सब तरीके की है, जैसे इटालियन फूड, इंडोनेशियन, इजिप्ट फूड, इस तरीके से सारी कंट्रीज़ का इन्होंने बना रखा है। भाई हम हैं इंडिया से तो हम पहले इंडिया का चेक करेंगे। ये है इंडियन फूड, इंडियन फूड में देखते हैं क्या रहता है इधर। समोसा और पता नहीं क्या क्या है इधर, जो टेस्ट अपने इंडिया का होगा वो इधर नहीं मिलने का। तो अभी हम यहाँ पर ब्लॉग शूट कर रहे थे और भाईजान मिले हमने। भाईजान भी इंडिया से, कहाँ से आप? बड़ौदा, गुजरात। बड़ौदा से? तो भाईजान बहुत अच्छा लगा मिलके, चले मिलते फिर। तो ये भाईजान मिले अभी हमको यहाँ पर। तो ये सारी शॉप मैंने बताया ना कि ऐसे बना रखी है लाइन से इन्होंने, यहाँ पर आपको हर कंट्री का फूड मिलता है। और देखो यार एक फ्रेम ये है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ है, और मुझे दिखा नहीं था, लोग बाग यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने भी आ रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है इधर। तो यार जिस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ उस मार्केट का नाम है बंगाली मार्केट। रोड से इस पार है, हमें इस पार जाना पड़ेगा। और इस मार्केट को टूटने के ऑर्डर मिल चुके हैं, ये हज के बाद यहाँ पर तोड़ दी जाएगी अभी बताया जा रहा है। तो ये पहले तो ओपन थी, बट अभी ये सब लगा के इसको बंद कर दिया है क्योंकि इसको टूटने के ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन अभी रमज़ान आ गए तो रुक गई, फिर रमज़ान के बाद फौरन हज होता है, तो इस वजह से अभी इसको रोक दिया है। बाकी हज के बाद ये मार्केट टूट जाएगी, उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर कुछ नहीं पता। ये पूरी मार्केट है, यहाँ पर खजूरें भी मिलेंगे आपको, और यहाँ पर कपड़े भी मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, और बहुत सस्ते प्राइस में मिलती हैं। अभी हम रेट मालूम भी करेंगे, अभी आगे चलते हैं, यहाँ से तो सिर्फ शुरुआत है। ये पूरी ऐसी मार्केट है जैसे अपने यहाँ पर संडे मार्केट होती है ना, कुछ इस तरीके से ये मार्केट बनी हुई है। ये ऐसे अपने यहाँ पर भी लगी हुई होती हैं, ऐसी संडे मार्केट में ऐसी यहाँ पर भी लगी हुई है। बट अभी जब से मार्केट टूटने का ऑर्डर है तो फिर कुछ इस तरीके से दिखती है ये देखो।
यहाँ खाने पीने के होटल भी हैं और ये शॉप्स भी हैं, यहाँ बुरके भी मिलेंगे, यहाँ पर खजूरें भी मिलेंगी, ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं सारे, और यहाँ जुब्बे कुर्ते पजामे सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, सभी के प्राइस बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। ये देखो यहाँ पर घड़ियाँ भी मिलती हैं, इत्र भी मिलते हैं, और ये घड़ी भी सही है। चलो इस घड़ी के रेट पूछते हैं, ये इसका कितना प्राइस है? ये 10 रियाल में आपको मिलेगी यहाँ पर, और ये काफ़ी सारी वॉच है, ये 10 रियाल की घड़ियाँ हैं। ये जितनी भी घड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये सब 10 रियाल में है, ये देख रहे हो, सारी घड़ियाँ आपको 10 रियाल में मिलेंगी, बहुत सही घड़ियाँ हैं यार, ये सामने से देखोगे तो पता चलेगा। और आपको यहाँ से मक्का जाने के लिए बस भी मिल जाएगी, वो भी 50 रियाल में। अगर आप टैक्सी करके जाते हो तो आपको 400 या 500 रियाल देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 50 रियाल में मक्का के लिए बस मिल जाएगी। यहाँ पर ये ढाबे वगैरह भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं खाने के, यहाँ से आप सब कुछ खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, खजूरें मिलेंगी, और इधर साइड में कपड़े मिलेंगे। ये जो है ये सारी कपड़े की मार्केट है। चलो जानमाज के एक दफ़ा जानमाज के रेट पूछते हैं भाई। ये जानमाज 10 रियाल, ये 10 रियाल की जानमाज है। इसे खोल के दिखाना एक मिनट, इसे एक दफ़ा खोल के देखते हैं, दिखाना। ये 10 रियाल की जानमाज है, ये मोटी भी है, काफ़ी ज़्यादा मोटी भी है, ये 10 रियाल की जानमाज है। ये जानमाज जो 10 रियाल की यहाँ पर मिल रही है ना, आप अगर उधर मार्केट में जाओगे ना तो कम से कम 50 रियाल की मिलेगी ये जानमाज। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा उधर मार्केट में जाके उसकी रेट, और बात रही क्वालिटी की तो क्वालिटी भी सेम है, ऐसे वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा, अभी उधर भी जाएंगे तब भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये कम से कम 50 रियाल की मिलेगी, और ज़्यादा की भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 रियाल की है। अभी और आगे भी देखते हैं, अब एक दफ़ा इन टोपियों का भी रेट पूछते हैं। 55 साइज 55। ये टोपी कितने की है भाई? 2 रियाल। 2 रियाल की टोपी है ये सब? 2 रियाल है। क्वालिटी दिखाना एक दफ़ा इसकी, सब 2 रियाल है, क्वालिटी भी अच्छी है। ये 6, ये 6 रियाल, ये थोड़ी मोटी है, और ये भी 6 रियाल। मतलब ये टोपी, ये वाली जो है, ये सब लाइन में ये 2 रियाल की है, और ये रियाल, ये जो है, ये सब 6 रियाल की है। मतलब ये इनकी क्वालिटी और भी ज़्यादा बेटर है, फिर भी 6 रियाल की है, और ये 2 रियाल की है। और ये वाली टोपी आपको उस मार्केट में मिलेगी कम से कम 10 रियाल की। और इधर एक दफ़ा तस्बीह के रेट पूछते हैं, तस्बीह क्या रेट होगी इधर? ये कितना? ये जो तस्बीह है ये आपको यहाँ पर 2 रियाल में मिलेगी। और ये कितने की है भाई? हाँ जी, ये कितने की है? ये 3 रियाल की है। ये बड़े दाने की, ये 3 रियाल की मिलेगी आपको, और ये 2 रियाल की है। और ये टोपियाँ भी हैं, ये कितने रियाल की है भाई? ये 2 रियाल की है, ये सब 2 रियाल की टोपियाँ हैं। ये देखो आप इसकी क्वालिटी चेक करोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसको भाई अभी परचेस भी करने वाले हैं, इसको लेने भी वाले भी हैं। तो ये आपको 2 रियाल में मिल रही है यहाँ पर, जो पीछे वाली मार्केट में मरकजिया में जो हरम के पास में है वहाँ पर कम से कम 7 या 8 रियाल की आपको ये मिलेगी, और यहाँ पर सिर्फ 2 रियाल में मिल रही है। बहुत सही लग रही है भाई, यहाँ पर सारी दुकानें, सारी शॉप ऐसी हैं जो आपको लो प्राइस में सारा सामान देती हैं। यही मार्केट आप अगर, यही सामान आप अगर उस मार्केट से खरीदोगे तो आपको दुगने या तिगने प्राइस में मिलेगा, और यहाँ पर आपको बहुत सही पैसों में मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जिनकी सेम क्वालिटी है मैं वहाँ पर खरीद चुका हूँ यार, और वो भी एक तिगने तिगने, जो 3 गुना रियाल में मैं वहाँ से खरीद चुका हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने रुमाल बांध रखा है ये मैंने वहाँ से लिया था, अभी इसकी प्राइस मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, फिर वहाँ की प्राइस बताऊँगा मैं। पहले यहाँ पर पूछते हैं कि ये रुमाल, देखते हैं पहले है भी या नहीं, और अगर है तो कितने प्राइस का है ये। एक मिनट, वो रखा हुआ है यहाँ पर सारे। भाई जान ये कितने रियाल का है? ये 10 रियाल का है, यहाँ पर 10 रियाल का है। और ये 12 रियाल का है, और थोड़ा अच्छी क्वालिटी में वो जो रखा हुआ है वो कितने का है? 50 रियाल का है, वो यहाँ पर 50 रियाल का है, ये 10 रियाल का है। और ये तो टोपियों का है, स्पेशली ये औरतों के लिए है, यहाँ पर बुर्का मिलता है, बहुत ज़्यादा सही बुर्का मिल जाता है। एक दफ़ा इसके रेट पूछ के बताता हूँ, वैसे मेरा काम नहीं है इसका, लेकिन पूछ के बताता हूँ। इधर पूछते हैं अभी बुर्के के रेट भी,
तो ये सारे बुरके हैं, लेडीज़ हैं, ये मेरा काम नहीं है भाई साहब, लेकिन व्लॉग बना रहा हूँ तो एक दफ़ा यहाँ के बारे में बताता हूँ। भाई इसका इसका क्या रेट है बुरके का? कौन सा वाला? ये 75 रियाल 75 रियाल। हाँ, और लगभग कितने रेंज के होंगे यहाँ पर अपने पास? 80-110 है ना। ये 75 रियाल का है, और ये वाला, ये थोड़ा डिज़ाइन में है, ये 80 रियाल का है। ये 80 रियाल का बुरका है यार, मुझे तो बुरकों की पहचान नहीं है, मतलब मैं बना रहा हूँ, अब जिसको अच्छा लगे वो देख लेना। और यही बुरके के जो रेट होंगे ना उधर मार्केट में, ये बुरका आपको 200-250 रियाल या 150 रियाल से नीचे का नहीं मिलने के। थोड़ा क्वालिटी में भी फ़र्क होगा, लेकिन 19-20 है। ओके ओके है। ये सब सामान अपने इंडिया में भी मिलता है, और यहाँ पर और मार्केट के मुताबिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। ये सब शॉप हैं जो आपको बहुत कम पैसों में आपकी अच्छी शॉपिंग करा सकती हैं। और यहाँ का जो ऑलिव ऑयल होता है, यानी कि जैतून का तेल, ये पूछते हैं किस कितने रियाल का है। अरे भाईजान, ये कितने रियाल का है तेल जैतून का? 7 रियाल का। ये 7 रियाल का कितने ग्राम का है? ये 175 ml, मतलब 175 ग्राम का है। ये आपको 7 रियाल का मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से बोल रखा है कि ऑलिव ऑयल लेके आना जैतून का तेल। अब यही ऑलिव ऑयल मैंने 15 रियाल का लिया था, लेकिन वो 200 ml का था, ये 175 का है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि 7 रियाल में और 15 रियाल में कितना फ़र्क होता है। सिर्फ 25 ग्राम के फ़र्क में वो चीज़ मुझे मिली है 15 रियाल की, और यहाँ सिर्फ 7 रियाल में है। मतलब सारी मार्केट के हिसाब से यहाँ पर सब चीज़ें सस्ती मिलेंगी आपको। और यहाँ पर हम इतर के और रेट मालूम करते हैं, यहाँ पर इतर क्या रेट मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको सबसे सस्ता माल मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और अगर नहीं मिलेगा तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, यहाँ सबसे ज़्यादा सस्ता माल मिलेगा आपको। मदीने के अंदर सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर आपको सस्ता माल मिल सकता है, बहुत सस्ता माल। अब हम जा रहे हैं उस वाली मार्केट में जो हरम के पास है, मरकजिया मार्केट में जा रहे हैं अब हम, जो बिल्कुल हरम के पास की मार्केट है, हरम के पास की शॉप है, वहाँ के रेट आपको दिखाते हैं अब हम। 150 रियाल। सो गाइज, ये आपको यहाँ पर मिल रही है 150 रियाल में। सो गाइज, आपने देखा कि कितना फ़र्क होता है इस मार्केट में और उस मार्केट में। यही फ़र्क दिखाने के लिए मैंने बस ये ब्लॉग शूट किया था, बाकी वो जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है यार। तो आप जब भी मदीना आओ, कोशिश करना कि अगर पैसे बचाने हैं तो शॉपिंग वहाँ से करो। मैं तो फंस गया इस बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं भी यही करूँगा। तो आप बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में।